कांग्रेस की जनसंदेश यात्रा शुरू हो गई है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों में बयानबाजी, राजनीति से हटकर निजी स्तर तक हो गई है। शनिवार को जयपुर के बस्सी इलाके से कांग्रेस की संदेश यात्रा की शुरुआत हो गई और इसके साथ ही राजनीतिक दलों में बयानबाजी भी तेज हो गई है। लेकिन जिस तरह से अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर चंद्रभान ने बीजेपी के नेताओं पर निजी तौर पर कटाक्ष किया है, उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि इसका स्तर कहां तक जाएगा। चंद्रभान ने शनिवार को बीजेपी के नेताओं के संबंध में कहा था कि मांस और शराब का सेवन करने वाले धर्म की बातें करते हैं। अफसोस के साथ मैं कहना पड़ रहा है कि ये जो लोग इतनी बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हैं ना, इनके घरों पर, इनके होटलों में जब पार्टी होती है ना, वहां शराब और मांस परोसे जाते हैं। अरे शराब और मांस तो छोड़ो, वो परोसना तो बंद करो आप, और धर्म की बात करते हो। इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बयानबाजी की गरिमा का ध्यान नहीं रखा। देखिए चंद्रभान जी घाट घाट का पानी पी के कांग्रेस में पहुंचे हैं, कई पार्टियां बदलते बदलते पहुंचे हैं। हो सकता है, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि उन्होंने अपनी आंखों से ये चीजें देखी है कि मांस सुरा और ये, चूंकि ये क्या होता है कि जो खुद जैसा है ना वो दूसरे लोग भी उसको, चोर को सारे नजर आते हैं चोर, तो चंद्रभान जी पे ये मुहावरा बहुत फिट होता है। वो ऐसा करते होंगे इसलिए उनको लगता है कि वसुंधरा जी ऐसा करती होंगी, तो स्वयं के गिरेबान में देखे तो ज्यादा बेहतर होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने भी लगे हाथ की हत्या के मामले का जिक्र करते हुए डॉक्टर चंद्रभान को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रमुख रूप से कहना चाहूंगी कि वो कह रहे हैं कि जिसके जीवन में सुचिता नहीं होती है वो कुछ ऐसी बातें ना करे, तो मैं खुद उनसे चंद्रभान जी से पूछना चाहती हूँ कि शायद वो भूल गए कि वो भी हत्यारे के नाम से सुशोभित रहे हैं, हत्याकांड में उनको जेल जाना पड़ा। जब किसी पार्टी का चीफ जो जेल गया हो वो दूसरे पे उंगली उठाने का तो उसको कोई राइट ही नहीं रहता है। एक हत्या के मामले में, छोटे मोटे मामले में जेल नहीं गए, हत्या के मामले में जेल गए, पर हम लोगों ने कभी बोलने की चेष्टा नहीं की। हालांकि राजस्थान विधानसभा का चुनाव इसी साल के आखिर में होने हैं, लेकिन चुनाव अभियान की शुरुआत में ही राजनीतिक दलों में व्यक्तिगत हमले शुरू हो गए हैं। इससे ये समझना मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार का स्तर कहां तक जाएगा। राघव शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, जयपुर।